जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और बहुत ही आभार है। आज हम इस स्टूडियो में बात करेंगे कि देवी शक्तियाँ जो हम पर होती है उसके कौन कौन से संकेत हैं और वो संकेत हमें किस तरह से मिलते हैं और उनका हम कैसे हमारे जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे कि हमें बहुत से जीवन में सकारात्मकता हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो विषय अभी तक आपको किसी ने इस पर बात नहीं की होगी और ये बातें आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, वो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आपको एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, वो सबका स्वामी है। इसलिए मेरी एक ही इच्छा है कि आप कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें। अगर आप नए व्यूअर हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे अच्छा लगे और इसी तरह के मोटिवेशनल और सकारात्मक ज्योतिष रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको चल रहे हैं, आप उससे अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। शुल्क आप है दोस्तों, नॉमिनल है, शुल्क देकर आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि देवी शक्तियाँ हम मानव पर होती है, लेकिन हम सामान्य मानव उन शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं। कैसे हम उनको संकेतित कर पाएं या क्या क्या चीज़ें हैं जो हम महसूस कर पाएं? तो सबसे पहली बात है कि जब भी आपको अपने आसपास के वातावरण में खुशबू का एहसास हो, देखिए अचानक सा कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वातावरण में आपको खुशबू का एहसास हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये पहला संकेत है दोस्तों, पूरी बातें सुनना। दूसरा संकेत है कि हम कम मेहनत में हमें बहुत सफलता मिल जाना, कि कुछ हमारे जो भी हमने काम किया उसमें कोई विघ्न नहीं आया और स्वतः ही धीरे 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 वो सफलता की ओर चले गए और सफल भी हम हो गए। ये देवी शक्ति का संकेत दोस्तों, क्योंकि काम का होना, सही तरीके से होना बहुत टफ होता है। तीसरी बात होती है कि आपको अपने बेटा, बेटी, बहू, अपने जो भी परिवार के, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, जिस भी फेज में हो अभी आप, या बेटा हो, बेटी हो, आपको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, जैसे चहेते नहीं होते कुछ लोग घर में, उस तरह का आपके साथ अगर भाव है समझिएगा कि देवी शक्ति का भाव है। चौथी बात है कि आप किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी को सलाह देते हैं तो वो व्यक्ति उस सलाह को अगर सही तरीके से अप्लाई खुद पे कर लेता है तो वो जरूर उस परेशानी से बाहर आ जाता है। ये भी मैंने कई बार देखा है, जिन पर देवी शक्तियाँ होती है वो किसी को सामान्य सलाह देते हैं और उनकी बड़ी से बड़ी परेशानी का उन्हें वो निदान मिल जाता है। तो ये भी एक संकेत है देवी शक्ति का कृपा होने का। पांचवा संकेत है दोस्तों कि ये लोगों को आभास हो जाता है, जो भविष्य में घटने वाली घटना है स्वयं से प्रतीत स्वयं के लिए, उसका इन्हें आभास हो जाता है। कई बार आपके साथ भी ये चीज़ें होती होगी। तो ये बातें हैं, अगर इसमें से आपको जो भी बातें अच्छी लगी, आपके साथ कोई सी बात होती हो तो कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें।